ओके सो जो लेवल था पेपर का वो कैसा था आपके अकॉर्डिंग? सो PYQ आपने बहुत सारे लगाए होंगे, तो PYQ किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं इन मॉक को अटेम्प्ट करने में या फिर रियल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में? तो आपको क्या लगता है इस बार जो प्रीलिम्स आएगा किस तरीके से आपके मॉक्स हेल्प करेंगे आपको कट ऑफ क्लियर कराने में? स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स, आज अभी हमें एक सेंटर पे, सेंटर यानी कि जो मॉक टेस्ट है उसका सेंटर है फोरम IAS के द्वारा, जो मॉक टेस्ट आज करवाया जा रहा है सिमुलेटर काफ़ी पॉपुलर मॉक टेस्ट है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी आपको पता है कि 16 जून काफ़ी पास आ गया है और उसको लेकर स्टूडेंट्स कितने प्रिपेयर हैं या फिर किस प्रकार से उनकी तैयारी चल रही है, मॉक टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रह रहा है, फीडबैक क्या है उनके, जानते हैं। आपका नाम? महिमा खेडर। गौरव जायसवाल। शिवांश। संस्कृति। दिव्या। रोहित। अश्विनी। ओके सो कौन सा अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? थर्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड। मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। ओके सो इसके पहले आपने अटेम्प्ट दिए तो पहले टेस्ट सीरीज लगाए थे आपने? नहीं, पहले तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाए थे, मैंने मॉक टेस्ट भी ज़्यादा दिए नहीं थे, तो इस अटेम्प्ट में मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा टेस्ट और लगाऊं। ओके सो मॉक अभी देकर आ रहे हो तो मॉक का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 88 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा था क्योंकि स्टैटिक पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था और बिकॉज इतने सारे टेस्ट प्रैक्टिस किए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे लगे कि हमने पहले किए हुए हैं या फिर UPSC की पैटर्न का है, काफ़ी अच्छा लगा। तो 88 आ रहे थे आपको या फिर कुछ एलिमिनेट करे या फिर तुक्का लगा? नहीं, पूरी तरह से श्योर तो मैं कहूँगी अराउंड 50-60 क्वेश्चंस थे जो आई वाज श्योर कि इसके आंसर्स हैं, बाकी कुछ जैसे एलिमिनेशन या फिर कुछ जैसे एजुकेशनल गेस जो हम कहते हैं जिसको, उस हिसाब से मैंने किया। ओके सो PYQ आपने बहुत सारे लगाए होंगे, तो PYQ किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं इन मॉक को अटेम्प्ट करने में या फिर रियल एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में? PYQs क्योंकि हमें UPSC के क्वेश्चन से फेमिलियर करवाते हैं और एग्ज़ाम के दिन हम शॉक नहीं हो जाते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और मुझे लगता है कि अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और जो ऑप्शन होते हैं उस ऑप्शन के थ्रू आप बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ते हो जो आपको हेल्प करते हैं आपके ऑप्शन तक पहुँचने के। ओके सो सिमुलेटर जो है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन या फिर किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए? मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, बट मोर ऑर लेस सभी के बट ये दो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन। तो अभी आप मॉक देकर आ रहे हो, कैसा रहा मॉक आपका? इट वॉज नाइस, द लेवल वॉज लाइक मीडियम एंड आई थिंक आई वुड स्कोर वेल आई गेस। ओके सो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? अराउंड 75। सो आपको 75 सारे आ रहे थे या फिर कुछ गैस या फिर एलिमिनेशन वगैरह करा? Okay, so if you're asking about that, I think so I attempted like up to 60, from which I was 100% sure. Okay. But then around like 15, that you know, sometimes you do have to make an intelligent guessing, right? Right. You wouldn't know everything on the paper. Okay, so jo level tha paper ka, wo kaisa tha aapke according? It was medium. It had like some static parts, some current affair parts also. And I was glad I did cover like few places in news like yesterday, so. Okay, PYQ aapne lagaya hai? Yes, हाँ। PYQ से कितना हेल्प मिला, मतलब क्या लेवल था इसका? ओके सो PYQ वुड सजेस्ट वन थिंग टू लुक अप PYQ दैट यू कैन नो अ लॉट ऑफ द पैटर्न क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल आई नो अ क्वेश्चन दैट सर्टेन पैटर्न दैट कीप्स रिपीटिंग राइट, सर्टेन टाइप ऑफ सब लाइक नॉट एवरीथिंग इन द सिलेबस यू डोंट हैव टू लाइक लर्न एवरी सिंगल थिंग राइट, आई मीन यू हैव टू गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग बट देयर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट देन द रेस्ट ऑफ द अदर टॉपिक्स। ओके सो आई थिंक या दैट दिस हेल्पफुल। ओके सो जो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इसके लिए आपने कितना प्रिपेयर किया या फिर कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? I have been preparing like I think so last year June se, yeah around like June like end of May beginning of June se kar rahi hu and then like ha so aap mock test dekar aa rahe hain to kaisa raha aapka mock test? moderate tha to aapne abhi kitne questions attempt kare hain? 70 kare hain to aap I think jo accuracy us pe khelna ja rahe ho?
या फिर कट ऑफ देख के 75 गया था तो 70 आई थिंक ठीक है. ओके सो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट था. तो आपका जैसे थर्ड अटेम्प्ट है आपने PYQ भी लगाए होंगे और जो ये फोरम का टेस्ट लगाया तो PYQ से कितना मैच कर रहा है या फिर कितना लेवल अच्छा है? UPSC का काफी हद तक फॉलो हो रहा है. ओके सो आपको लग रहा है इस तरीके के मॉक देने से आपको UPSC के रियल एग्जाम में डेफिनेटली एक एग्जाम का वो पैटर्न समझ में आता है. ओके जो क्वेश्चंस आए मॉक टेस्ट में वो कई बार क्या होता है ना पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट या फिर किसी बुक मतलब बुक कह रहा हूँ किसी सब्जेक्ट या टॉपिक ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं. नहीं मिक्स था ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर थे कॉम्प्रिहेंसिवली. तो करेंट अफेयर्स वगैरह के कितने क्वेश्चंस थे? आई कैन नॉट गिव एन एस्टिमेट एग्जैक्टली बट काफ़ी थे. करंट और स्टैटिक को मिक्स किया हुआ था. नॉट करंट फोकस्ड नॉट स्टैटिक फोकस्ड इट वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके सो अभी मॉक देकर आ रहे हो कैसा रहा मॉक? काफ़ी अच्छा था पहले से मतलब जितने दिए हैं मुझे लगता है अब तक तो बेटर ही है इस बार तो. ओके सो इम्प्रूवमेंट हो रही है आपकी जितने भी मॉक्स लगा रहे हो आप? ये तो है फोरम में मतलब जितना मैं अब तक लगा रहा हूँ तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है. एक दो में ऊपर नीचे हुआ है बट बेटर है काफ़ी बेटर लग रहा है. ओके सो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो अभी? अराउंड 82 करके आए हो. सो पहले भी मॉक्स में इतने कर रहे थे आप? मतलब वो डिपेंड करता है ना मतलब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अगर किसी तो में 70-75 लगा क्या इसमें थोड़ा बेटर था मेरे को इसमें थोड़ा बेटर लगा तो मतलब मैंने 80-85 तक कर दिया है. ओके 85 सो अभी जैसे पहले भी टेस्ट लगाए तो उसमें कट ऑफ में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? मतलब अभी मॉक्स में मॉक्स में मतलब किसी में 50-60 भी आए हैं किसी में 70 भी आए हैं किसी में 80 भी आए हैं डिपेंड पेपर के ऊपर और थोड़ा माहौल के ऊपर. तो आपको क्या लगता है इस बार जो प्रीलिम्स आएगा किस तरीके से आपके ये मॉक्स हेल्प करेंगे आपको कट ऑफ क्लियर कराने में? एक तो प्रेशर मतलब टैकल करने में हेल्प करता है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा और दूसरा मतलब क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करने हैं मतलब जैसे सर बोलते हैं हमारे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लोग. ओके तो वो चीज़ हेल्प करती है जितना मॉक देते हैं तो मतलब समझ आता है कि ये वाला छोड़ दे तो बेटर रहता है मुझे लगता है तो वो नेगेटिव नहीं जाते हैं ज़्यादा मुझे तो ये लगता है अपना पर्सनली. ओके ग्रेट है सर आप आज का पेपर आपका सही था बहुत अच्छा. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 87 तो सारे आ रहे थे आपको? आ रहे थे रिस्क नहीं लिया था. ओके सो क्या लगता है आपको ये पेपर जो मॉक टेस्ट दिया वो कितना हेल्प करेगा आपको रियल एग्जाम रिवीजन के पर्पस बहुत सही है इसमें और मोर ओवर दिन जो पढ़ाता वो सब याद आ रहा था ऐसा लग रहा था कि एलिमिनेशन मेथड जो पहले 2023 की तरफ में जो डर था ना वो डर इस एग्जाम से हट जाएगा लग रहा है. चलिए ओके ठीक अच्छा पेपर. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 80 जो पेपर था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन थे या फिर किस पोर्शन से थे? एनवायरनमेंट ज्योग्राफी करंट अफेयर्स ग्लोबल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से भी थोड़ा करंट रिलेटेड क्वेश्चन था. ओके इकोनॉमी से शायद थोड़ा कम. करंट वगैरह का कैसे था? हाँ चक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके सो आपने जो ये मॉक दिया है इसका जो इन्वायरमेंट था क्योंकि आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े हॉल थे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे तो रियल एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से हेल्प करने वाले? हाँ मतलब सिमुलेशन होता है काफ़ी अच्छा सिमुलेशन प्रैक्टिस हो जाती है मतलब वही जो टेबल चेयर होती है और फैन वगैरह गर्मी लगती है. चलो ओके थैंक यू. तो अभी मॉक लगाए हो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए. हाँ. तो मॉक कैसा रहा आपको? मॉक तो काफ़ी अच्छा था. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 87 करे. Yes. तो आपको 87 सारे ही आ रहे थे या फिर कुछ एलिमिनेट कर दिए? नहीं कुछ जैसे 13 मुझे नहीं आ रहे थे 87 में कुछ मैंने अप्रोक्सीमेशन देखा नहीं है मतलब एलिमिनेट किया कुछ. और वैसे अराउंड वही 30-35 क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे. PYQ वगैरह आपने लगाए? हाँ काफ़ी. तो PYQ से इस तरीके के मॉक्स में कितनी हेल्प हो रही है? बहुत हेल्प हो रही है मतलब PYQ तो एक जैसे बेस बिल्ड हो गया फिर उसके बाद मॉक्स दे करके अपना परफॉर्मेंस पता चल रहा है. ओके आज ये अभी 10th नंबर का टेस्ट था सिमुलेटर का. Yes. इसके पहले आपने जो टेस्ट दिए तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? परफॉर्मेंस जैसे मार्क्स इंक्रीज ही हुए हैं. ओके सो लर्निंग काफ़ी मिली है समझ में आया क्या मिस्टेक्स थे अप्रोच चेंज हुआ है फर्स्ट सिमुलेटर से 10th सिमुलेटर्स में आने के बाद. सो आई गेस कि आपको क्लास में जो माहौल चाहिए होता है जब आप रियल एग्ज़ाम में देते हो तो यहाँ पे देखा मैंने कि 400-500 बच्चे एक ही हॉल में बैठ रखे हैं तो वो किस तरीके से आपको रियल एग्ज़ाम का फील दिलाता है या फिर आप भी हल्के में ले रहे हो ठीक है नॉर्मली है? नहीं इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा है फील आ रहा है एक्चुअल प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो UPSC कंडक्ट कराता है तो इट्स वेरी गुड.
रैदर देन कि जो घर पे बैठ करके मॉक देते उसे तो अच्छा है कि प्रॉपर एक जगह आ करके बैठ करके उस एनवायरनमेंट में टीचर्स टाइमली रिएक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। ओके, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे अभी इसमें? ज़्यादा तो वैसे काउंट तो वैसे नहीं किया, बट अप्रॉक्सीमेटली पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट मिक्स ही थे। ओके, तो आपका अभी एग्ज़ाम देने जाना है आपको 16 जून को, तो उसको लेकर आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं? फर्स्ट अटैम्प्ट है वैसे? प्रिपेयर तो फुल नहीं हूँ, बट ठीक है, कभी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती है, बट यस आई एम वेरी वेल कॉन्फिडेंट। जो एजुकेशन प्रोवाइड हुआ इंस्टीट्यूट से और जो मेंटर्स ने गाइड किया है, तो आई एम वेरी वेल मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट कि आई विल डू गुड। सो आपको लग रहा है कि सिमुलेटर जो है फोरम का वो काफ़ी हेल्प कर रहा है आपको? बहुत हेल्प कर रहा है। ओके, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक लिया, सो आई होप आपने फीडबैक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा और आपको समझ आया होगा कि बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।